आरती जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसएससी जेएसटी 2022 की परीक्षा के लिए। थैंक यू सर, यह थैंक यू। बताएंगे कि आप इस एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अपनी कैटेगरी, अपना रैंक, अपना पेपर वन का मार्क्स, पेपर टू का मार्क्स और जो भी आप ऐड करना चाहती है अपने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आप बताएं। जी सर, सर आई बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी। माय रैंक इज 369। माय पेपर वन मार्क्स इज 125 एंड आई स्कोर्ड 129 इन माय पेपर टू। 129 इन पेपर टू, यस सर, 129 इन पेपर टू। क्या बात है। मेरे ख्याल से टॉपर में तो आप ही है तब, वन सर ट्वेंटी नाइन मैं भी हो सकती हूँ, टॉप 10 में तो इंक्लूडेड हूँ मैं। क्या बात है, 129। तो पेपर टू के लिए तो आपने अच्छा खासा मेहनत किया होगा, क्योंकि 129, यहाँ तक कि जो टॉपर 4, 5, 3rd तक के वाले में उतना मार्क्स नहीं ला पाए हैं। पेपर यस सर, वन के यस बदौलत उनका सिलेक्शन हुआ, सर, हाँ लेकिन मेरा सिलेक्शन पेपर टू के बदौलत हुआ है। क्या बात है, आपका सिलेक्शन पेपर टू के बदौलत हुआ है। क्योंकि आप ना तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती, ना तो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है, कि आपका मार्क्स का जो डिफरेंस है काफ़ी रहता, लेकिन यस सर, आप ओबीसी से बिलोंग करती है और आपका मार्क्स लगभग मार्जिन में कहा जाए तो उतना अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। 125 मार्क्स आपका पेपर वन में रहा, तब ऑब्वियसली आप लकी है कि आप अपने पेपर टू में काफ़ी ध्यान दिया और यस अच्छा खासा मार्क्स लाए और उसी के बदौलत आपका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। सर, सबसे तो जो अभ्यर्थी है, जो देख रहे हैं आपके इस सफलता के की बात, मतलब किस तरह से आप सफल हुए उसको लेकर के जो देख रहे हैं, उन लोग जरूर आपसे तो टिप्स लेना चाहेंगे पेपर टू के लिए। यस सर, जी सर, थैंक हालांकि यू। हालांकि जो है ना, सो ये भी जरूर हम लोग जानना चाहेंगे कि पेपर वन में भी मान लीजिए 125 मार्क्स लाए हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उतना भी नहीं ला पाते हैं। यस तो सर, आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले ये हम लोगों को जरूर आप बताइएगा कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा राइट फ्रॉम दी ग्रेजुएशन, वो कब आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में कौन कौन से पेपर्स थे, कब किया, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। सर मेरा ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट हुआ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया। मेरे सब्जेक्ट्स तो कॉमर्स थे बट हिंदी एंड इंग्लिश भी इंक्लूड थे उसमें, एलिजिबिलिटी के लिए जो मैंडेटरी है। चलिए, अब ओके, अब आपका जो है ना ग्रेजुएशन में जो जो कॉम्बिनेशन जो था आपके पेपर्स का, उसमें कॉमर्स मेन सब्जेक्ट के रूप में था सर, और कॉमर्स उसमें में ही लैंग्वेज पेपर में दोनों ही होगा ऑब्वियसली, तभी आप जो है ना इसके एलिजिबल लिए है। एलिजिबल यस सर, हुए, है यस सर, हिंदी एंड ना। इंग्लिश दोनों। हिंदी और अंग्रेजी दोनों था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज को लेकर के काफी काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके मार्कशीट में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा मेंशन, यस सर, दोनों की मार्क्स इंक्लूडेड है। कितने कितने मार्क्स का आपने पढ़ा था और कितने साल आपने पढ़ा था इस ये दो लैंग्वेजेस को। सर मैंने दोनों 100 100 मार्क्स के फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे। 100 100 मार्क्स के यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में, दोनों मतलब एक साल तक आपने इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा। ओके, वेरी नाइस। और आपका पीजी कौन से विषय से रहा, सर। पीजी भी मेरा एम कॉम था, एम कॉम था। इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में आपने पीजी किया कॉमर्स ही सब्जेक्ट में। यस तो सर, आपने कब कौन सा साल किया था ग्रेजुएशन और फिर पीजी कौन से साल कंप्लीट ग्रेजुएशन किया। मेरा 2016 में कंप्लीट हुआ, फिर पीजी मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद आपने क्या किया। उसके बाद मैंने, क्योंकि नेट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, तो फिर एक साल तक मैंने उसी के लिए, नेट के लिए प्रिपेयर किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया नेट में, कुछ मार्क्स से मतलब रह गए थे। तो फिर उसी ईयर मुझे, मेरी एक फ्रेंड थी, उनका ये जीएसटी एग्जाम क्लियर हो गया था, वो डीवी में गई थी बट पोस्ट ग्रेजुएशन की वजह से उनका नहीं हो पाया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप इसके लिए भी ट्राई करो। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या मेरे ख्याल से डिप्लोमा, डिप्लोमा के के लिए उन्होंने नहीं था सजेस्ट उनके किया, पास, है ना, हाँ, क्योंकि पीजीडीटी नेट की नहीं था। प्रिपरेशन कर रही थी अच्छा अच्छा तभी। अच्छा अच्छा हाँ तो उनका नहीं हुआ उसी के वजह हाँ से। तो डीवी में उनका आप, नहीं।
हाँ, तो आपने सोचा कि चलो क्यों ना अगला वहां तक पहुंची और वहां से लौट करके आई कि उसका सारा सर्टिफिकेट ओके था, लेकिन पीजीडीटी की डिग्री, पीजीडीटी के सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास, और इस कारण से उनको लौटा दिया गया, है ना। यस सर, तो आपने, मैंने पहले डिप्लोमा, इसलिए मैंने पहले डिप्लोमा कंप्लीट किया हाँ, तो डिप्लोमा कौन सा वर्ष आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया? सर। 2020 में लिया था, 2021 में मेरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, 20, मतलब आपने 1 साल भी आपने गैप नहीं रखा, कोई लगातार गैप आपने नहीं, किया हाँ ग्रेजुएशन। बस, और हाँ बस नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे वही गैप हो गया था, वो था। वो थोड़ा सा गैप रहा। तो ये बताइएगा कि आपने नेट के लिए तैयारी शुरू किया, तो फिर आपने उसको सर छोड़ा क्यों? इससे तो बेहतर वो स्कोप था, करियर ऑप्शन था आपके लिए, तो उसको ही लेकर के चलना था, तो इधर क्यों आई? सर नेट की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो एक लॉन्ग पीरियड हो जाता, और बेसिकली जीएसटी के लिए था कि एज लिमिट होनी चाहिए, और ओबीसी कैंडिडेट इट इज 33 इयर्स। तो मैंने सोचा कि अगर हम अभी अभी हमारी मतलब एज लिमिट है, तो इसके लिए अभी हम प्रिपेयर कर ले, उसके बाद अगर नहीं होता है देन आई विल गो फॉर माय नेट प्रिपरेशन अगेन। ओके, मतलब आपने काफी बुद्धिमानी दिखाया यस सर, कि एसएससी जेएसटी के लिए अभी लग जाओ, है ना, अभी क्यों? अभी लग हाँ, जाती और नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, उसके लिए तो मेरे पास तो जिंदगी पड़ी हुई नेट के लिए, तो जिंदगी पड़ी हुई है, हाँ दे सकते हैं। है ना। तो यस इस सर, कारण से चलो इधर जो मिलता है, पहले सेल्फ डिपेंडेंट मैं हो लूं, इसके बाद तो फिर क्या है, अपने पैसे से कुछ भी करूं। प्रिपरेशन करते हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा आपका डिसीजन रहा। तो ये जो आपको मार्गदर्शन मिल रहे थे, वो कहाँ से मिल रहे थे? खुद खुद से मोटिवेटेड थे, या आपको कोई मोटिवेट कर रहे थे घर में या सर कोई दोस्त? हाँ, मोटिवेशन तो शुरू से ही था कि हाँ एजुकेशन अच्छी ली है, तो उसके लिए आप आगे काफी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। बट यूट्यूब वगैरह के हेल्प से मैंने काफी खुद से किया, प्लस कुछ वीडियोस देखे, आपका चैनल उसमें मुझे मिला, जिसमें आपने मतलब बता रखा था प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी वगैरह, तो वो मैंने फॉलो किया, प्लस और भी टीचर्स का मैंने देखा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे इस एग्जाम के लिए ही जाना है। क्या बात है। तो ये तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, या और भी अटेम्प्ट्स ले चुकी थी इससे पहले? नो मेरे ख्याल सर, से तो पहला ही अटेम्प्ट होगा, क्योंकि बीच में तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं था। हाँ सर, हाँ वो एक ईयर नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो ये बताइएगा कि आप, चूंकि क्या है ना, अपना एलिजिबिलिटी को लेकर के भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज रही होगी कि मैं यस कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ और पता नहीं मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, यस तो सर, इससे बट मतलब हाँ मैंने जो नोटिफिकेशन थी वो काफी थॉरली उसे मल्टीपल्स टाइम रीड किया, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी जो थी वो मैं खुद से ही समझ गई थी, प्लस मैंने यूट्यूब चैनल से भी करके उसे कंफर्म कर लिया कि यस आई एम एलिजिबल फॉर दैट। ओके, और अच्छा, सर आई जस्ट बिलीव इन द कोट दैट डेस्टिनी टेक्स द प्लेस विच वी डिजर्व, सो क्या दैट बात है। हैपेंस टू मी, सो दैट हैपेंस टू मी कि मुझे मिल गया जीएसटी। यस सर, डेस्टिनी, आप मतलब आप डेस्टिनी पे थोड़ा सा बिलीव करती है, यस सर, मेहनत पर नहीं? सो मेहनत पे भी और डेस्टिनी बोथ बोथ आर क्या, इक्वल इम्पोर्टेंस हाँ सर। सही बात है, कहा भी जाता है 99% परस्पिरेशन एंड यस 1% लक। आपको तो 99% तो मेहनत तो करने ही होंगे, लेकिन लग 1% परस्पिरेशन रहेगा। 99% पर भारी पड़ता है। यस यदि सर, यदि जो है ना, वो अगर नहीं साथ देगा, तो फिर मेहनत भी बेकार चली जाएगी। यस सर, इसलिए दोनों ही रहते हैं, और 1% लक किसे कहते हैं, किसे मानती है, यस अगर सर, आपको मालूम हो तो साझा कर सकते हैं। मेरे विचार से 1% लक जो होता है, वह बड़ों का आशीर्वाद होता है, वह यस सर, दोस्तों क्योंकि की शुभकामनाएं होती है, मेरा जो गुरुजनों का सिलेक्शन, आशीर्वाद होता है, यस सर, इसीलिए उन क्योंकि सबों को। हाँ, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो 254 मेरे एग्रीगेट मार्क्स है, और लास्ट कट ऑफ ऑफ ओबीसी वाज 253.75। क्या बात है एकदम आप मार्जिन में मतलब आ यस गई, सर, और सीधे यू आर इन, यस सर, क्या यस सर, बात है। एंड पेपर टू के चलिए, हार्डवर्क की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हो पाया है। हाँ, अच्छा आरती जी, ये बताइएगा कि पेपर वन की तैयारी 125 आपने लाया है, ऑब्वियसली इट वाज रिस्की इनाफ, हाउएवर आपने पेपर पेपर वन का आप मार्क्स देखी, तो आप में वो कॉन्फिडेंस आया कि 125 आया तो क्या हुआ, है ना,
मैं पेपर टू पे मेहनत करूंगी तो शायद मेरा हो जाए, तो शायद लेकर के चल रही थी, या मैं फाइनली सिलेक्टेड होऊंगी उसी को ही आधार मान करके आप तैयारी कर रही थी। सर मैंने ये आधार माना था कि हाँ शायद मैं फाइनली सिलेक्ट हो जाऊँ, बट अगर मैंने ये भी सोचा था कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर जो मेरा होगा वो परफॉर्मेंस इसमें ऐड हो जाएगा, उसके लिए मतलब मुझे कम मतलब उतना प्रेशर नहीं अर्थात देना आप पड़ेगा। अगले साल को एक विकल्प के रूप में लेकर के चल रहे थे, है ना? जैसा कि सर अभी मैं वाह, प्रिपरेशन करूंगी सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। चलिए, ऑब्वियसली बेस्ट विशेस तो रहेगी ही, आप यस सर जरूर SST के लिए जाएं। वेल, ये पेपर वन की तैयारी आप किस तरह से किए हुए थे? आप कहीं से मार्गदर्शन लिए थे या आपने सेल्फ स्टडी कर रखा था? सब पेपर वन के लिए मैंने सबसे पहले तो इंग्लिश पेपर, इंग्लिश की मेरी लैंग्वेज जो थी वो मेरी यूजीसी नेट के टाइम पे प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि उससे अब प्लस हिंदी के लिए मेरे ग्रामर ग्रामर बुक होती है व्याकरण की, पब्लिक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक थी तो वो मैंने किसी से ली थी एंड देन मैंने उसी से प्रिपेयर किया था। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कोई किताब जो आप फॉलो किए हुए थे पेपर वन के लिए? यस सर सर मैंने इंग्लिश के लिए ल्यूसेट की इंग्लिश ग्रामर बुक ली थी अच्छा, और कुछ यूट्यूब वीडियोस थे उनके थ्रू मैंने मतलब मॉक टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट दिए मतलब थे। आप यस पेपर वन के लिए ज्यादा सिंसियर नहीं दिख रही थी शायद। सर क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि शायद मेरा हो या ना हो, मैं मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज थी, बट जब अच्छा, मेरा एग्जाम मेरा एक तरह से ठीक गया तो मुझे लगा शायद हो सकता है, तब तो मैंने पेपर टू के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। मतलब आप परीक्षा में बैठे बस एक ट्रायल के रूप में, कि ट्रायल प्लस चलो थोड़ी प्रिपरेशन भी तो हाँ थोड़ी होती हाँ थी। प्रिपरेशन तो थोड़ी तो रहती ही है, लेकिन यस सर वो हार्ड वर्क के साथ आपने नहीं दिया, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देते हैं कि मुझे 180 ले आना है आउट ऑफ 200, ऐसा सोच करके आपने नहीं दिया। नो सर आप बस ये सोच रही थी कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं हाँ एक बार हाँ हाँ अपना एक्सपीरियंस एक ले लूंगी, उसके बाद फिर होगा तो नेक्स्ट होगा, ईयर नहीं में होगा तो इट डजेंट मैटर। हाँ और नेक्स्ट ईयर में 180+ लाने की कोशिश करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपका तो पेपर वन का जब रिजल्ट आया 125, जो कि ज्यादा तो है नहीं, लेकिन आप पेपर टू के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई कि आप कहा जाए तो टॉपर के रूप में आप अभिहित हुई? 129 मार्क्स, सचमुच अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स है ना? तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाया था? सब पेपर टू के लिए मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैंने सबसे पहले तो जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उसके उसके टॉपिक्स लिखे, 50+ टॉपिक्स मैंने लिखे थे ऐसे प्रिपेयर करने के लिए, प्लस करंट टॉपिक जो भी टॉपिक मुझे कहीं से भी मिलता था कि हाँ शायद ये पेपर में आ सकता है, मैंने उनको एक अपनी नोटबुक बनाई प्लस उसमें लिखने की काफी प्रैक्टिस करी। मैंने टाइम मैनेजमेंट का काफी ध्यान रखा कि मुझे 40-40 मिनट्स में अपना ऐसे प्रिपेयर करना है, प्लस 10-20-20 मिनट्स मुझे ऐसे को देने हैं। जब मैं अच्छा, प्रिपरेशन 40-40 मिनट्स मैंने ऐसे दिया और 20-20 मिनट्स मैंने ट्रांसलेशन को दिया अपना मैनेजमेंट अर्थात कि क्या है ना कि आप पेपर टू की तैयारी के लिए आप टाइम मैनेजमेंट पर पूरा फोकस कर रही थी, का। टाइम और मैनेजमेंट हाँ, बिल्कुल और फोकस नहीं था कि एग्जाम मेरा छूटे ना या कुछ रह ना जाए, तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में और प्लस ऐसे राइटिंग में काफी फोकस किया। हाँ, और आप चाहे वो अनुवाद खंड हो चाहे निबंध का खंड हो, उसके लिए आप समय निर्धारित कर देती थी कि इतना ही समय में मुझे कोई दिए यस गए सर अनुवाद अनुच्छेद को पूरा करना है, ट्वेंटी और मिनट्स में मुझे ट्रांसलेशन करनी ही करनी है हाँ हाँ और 40 मिनट्स में इससे ज्यादा ऐसे को नहीं देना है। तो ये अनुवाद अनुच्छेद वगैरह इस तरह की जो कहा जाए तो पेपर्स, उस तरह का अनुच्छेद आप कहाँ से लाती थी अगर अनुवाद खंड की बात करें तो? सर वो मैं न्यूज़पेपर से लेती थी, हाँ जैसे हाँ न्यूज़पेपर वैसे तो काफी मतलब वाइड होता है कि इतना बड़ा हम ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ सकते, तो मैं उसमें से जो भी मेरा फेवरेट टॉपिक या फेवरेट पोर्शन होता था वो उठाती थी और उसको मैं ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देती थी। वाह, यस सर शब्दों को किस तरह से आप लर्न करते थे? पारिभाषिक शब्द हो या पेपर टू के लिए ही आप बताएं, क्योंकि आप पेपर टू के लिए अच्छा खासा प्रशंसा डिजर्व करती है, तो उसके लिए क्या आप वही 1.5-2 महीना आपको जो मिला उसी में ही आपने तैयारी किया, या पहले से भी आपकी तैयारी कुछ थी इस तरह की कि आपने सर इतना न्यूज सारा मार्क्स ले आया, सर इतने न्यूज़पेपर टफ? रीडिंग तो मेरी हैबिट हैबिचुअल था, तो मैं न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छा, तो पिछले 2 सालों से लगातार कर रही थी, जिससे मुझे पेपर टू में काफी हेल्प मिली। ओके, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करती थी? यस सर
वाह, तो उसका एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ती थी और उस पर आप नोट्स भी बनाया करती थी क्या? सर मुझे जो भी वर्ड्स मिलते थे, जो भी टेक्निकल वर्ड्स मिलते थे या जो थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, वो मैं अपनी नोटबुक्स में नोट करती थी, प्लस उसे रिवाइज करती रहती थी, टाइम टू टाइम रिवाइज करती थी, जो लगता था कि हाँ ये वर्ड्स एग्जाम में आ सकते हैं, जो मल्टीपल्स टाइम ट्रांसलेशन में पूछे जा रहे हैं, या जो चीजें रेगुलर बेसिस पे यूज हो रही है, तो मैं उसको अपनी नोटबुक्स में लिख के उसे काफी रिवाइज करती थी। ये जो आपका एफर्ट्स है कि न्यूज़पेपर को पढ़ना, उससे शब्दों को छाटना, उससे कुछ खास तरह के वाक्यों को भी छाटना, उससे थॉट को चुराना, है ना, किस तरह का विचार है, और उस तरह का काम आप कितनी महीनों या कितने सालों से कर रहे थे? सर न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट तो थी, 2 सालों से कर रही थी, बट पेपर के टाइम जो 2 महीने थे वो मैंने डेली 10 to 12 hours पढ़ाई करी थी, 7-8 hours ऐसे करती थी, प्लस 3 से 4 पैराग्राफ में ट्रांसलेशन कर रही। क्या बात है, आप कितना समय देती थी जब पेपर टू का आपका समय आया, पेपर वन के रिजल्ट के बाद या पेपर टू के लिए, पर सर मैं डे? 7-8 hours में ऐसे को डेली देती थी, उसे सिर्फ और पढ़ के। सिर्फ ऐसे को 7 to 8 hours देती थी, और 3 hours ट्रांसलेशन को देती थी। मतलब 11 to 12 hours पर डे देते थे पेपर यस टू सर के टू लिए। यस सर 2 month के लिए मैंने काफी अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया था पेपर क्या टू बात को भी है, सिलेक्शन के लिए, और उसी का रिजल्ट है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। वाह, मतलब 12 hours, 11 to 12 hours पेपर टू के लिए। तो ऐसे के लिए आप किस तरह से पढ़ा करते थे, इतने समय लेकर के क्या क्या चीज आप करती थी उस टाइम में? सर ऐसे के लिए मैं एक वे यूज करती थी, वो ये था कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉपिक, एग्जांपल पॉल्यूशन मैंने टॉपिक लिया, उसका उसके लिए मैंने 3-4 वेबसाइट से जो भी मुझे कंटेंट सबसे बेस्ट कंटेंट लगता था मैं उसको अपनी नोटबुक में लिखती थी, ठीक और है, फिर उसी सेम ऐसे को मैं ट्रांसलेट करती थी हिंदी में। तो वाह, इससे इससे ये प्रिपरेशन हुई कि मेरा सेम टॉपिक पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ऐसे प्रिपेयर हुआ, प्लस मेरी ट्रांसलेशन भी उसी के साथ कंप्लीट होगी। मैं तो हमेशा तो अपने YouTube चैनल पर तो कहा ही करता था कि देखिएगा कि जिनके पास समय बहुत कम है यस वो सर ऐसा ही करें। ऐसा मैंने यही सर मैंने यही ऐसा ये सर मैंने यही किया था कि जो इससे हमारा ये बेनिफिट हुआ, हमारे एक बार में हमारी चारों चीजें एक ही चारों साथ चीजें कवर कवर हुई। हो रही यस है। सर ये कवर हो गया कि प्लस ऐसे भी हुआ, इंग्लिश ऐसे भी हुआ, देन हिंदी है ऐसे, प्लस ट्रांसलेशन, और सेम अप्लाइज टू हिंदी। ट्रांसलेशन भी हो गया, ऐसे भी हो गया, हिंदी निबंध, अंग्रेजी निबंध, हिंदी से हाँ अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, सर वाह। ये और ये मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड लगा मेरे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के। क्या बात है, चलिए, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बनाया, है ना, निर्देश जो भी मिला आपको तो उनको आप कहा जाए तो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया यस आपने, सर सिर्फ सुना ही नहीं, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत कोशिश की और अभी यस सर सफल इम्प्लीमेंटेशन किया, और यही सफल छात्रों की, सफल अभ्यर्थी की यही पहचान होती है कि यदि कोई भी चीज को आप पकड़ें तब उसको अंजाम तक ले जाए। और चलिए, बहुत बहुत ही सही बात है, जितने भी छात्र सुन रहे हैं, अभ्यर्थी सुन रहे हैं, जरूरी इस बात पर, इनके इस सोच पर जरूर आप लोग भी विचार करें कि तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है ना। सबसे पहले एक रणनीति बनाना है कि आपको देखना है कि आप कितना समय आप दे सकते हैं, क्योंकि समय क्या है कि समय किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को अगर कम मिलता है, अब मान लीजिए अगर काम कर रहे हैं ना, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, तो वहां से आपको समय को चुराना होगा, थोड़ा थोड़ा करके समय चुराना होगा, और इस तरह से उस समय का आपको गुणात्मक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और आप चूंकि 11 से 12 घंटे का समय दे रही थी, आप चूंकि एक लड़की है, आपको अपना घर का काम कुछ, तो आपको उस तरह से कोई लाइबिलिटीज नहीं थी क्या? सर नहीं, मेरी मदर ने इसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नहीं आपको अब एग्जाम देना है तो आपको प्रिपरेशन करनी है, तो सिर्फ प्रिपरेशन ही करो, घर का काम मैं खुद मैनेज कर लूंगी। क्या बात है, चलिए, मम्मी को आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम उनके इस सोच के कारण से एक बेटी आत्मनिर्भर हो पाई है। सो कोऑपरेटिव फॉर यू, मैं फैमिली सो कॉपरेटिव। क्या बात है। अच्छा आरती जी, ये बताइएगा कि
ये जो पेपर टू के लिए जो आपने दोनों ही खंडों को लेकर के चला था, पढ़ाई किया था, ये दोनों ही खंड अपने आप में बहुत दक्षता भरा खंड है। आप संक्षिप्त में यह बताइएगा कि कोई भी कैंडिडेट, आप तो चूंकि कह रहे हैं कि दो दो महीना आप 11 से 12 घंटा आपने दिया था, है ना, यदि जी कोई जी भी कैंडिडेट अगर 2 महीने नहीं, अगर पहले से ही तैयारी करके रखे, तब वो कहा जाए तो थोड़ा थम थम करके स्टेडीली यदि करके चलते हैं, तो उनको किस तरह से करना चाहिए, उनको क्या क्या सजेस्ट आप करेंगे, क्या क्या रिकमेंड करेंगे उनको करने के लिए, ताकि आप ही के जैसा वो टॉपर हो जाए पेपर टू में। सर, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं 10 आवर्स देती थी एक दिन में, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप 5 आवर्स दे रहे हैं तो मैं 2 ऐसे कवर करती थी, तो आप एक ऐसे कवर करें, बट आपको 4 महीने की, मुझे जैसे 2 महीने लगे आपको 4 मंथ लगेंगे सेम प्रिपरेशन के लिए। और उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे नॉलेज तो जरूरत है, वो 1.5 से 2 महीने में ये नॉलेज को गेन करना तो संभव नहीं है शायद, है ना। क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज हाँ, हमारी बचपन से लेके अभी तक जितनी हमने लैंग्वेज सीख रखी है वो यहाँ पर काम आती अच्छा ये बताइएगा कि पेपर टू के में इतने सारे मार्क्स आपको जो मिले हैं, तो और क्या क्या वजह हो सकता है। आपने बताया कि आप 11 घंटे से 12 घंटे आप पढ़ाई करते थे, है ना, 7-8 से 7 घंटा कम से कम आप ऐसे को लिखने में लगाते थे, आप सर्च करते थे, गूगल करती थी कोई भी टॉपिक को लेकर के, बेस्ट जो आर्टिकल रहता था उसको लेकर के निकाल करके लाते थे, फिर उसको अपने लैंग्वेज उसमें ढालती थी, है ना। इसके बाद एक, हाँ, एक बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल तैयार हो गया, तो फिर उसका आप दूसरे लैंग्वेज में अनुवाद भी कर देती थी, तो यस इस तरह सर से हाँ आपका निबंध भी बन गया। मान लीजिए अंग्रेजी में छांटे तो उसका हिंदी कर देते थे, तो हिंदी निबंध हो गया, है ना। इसके बाद फिर आपका तो अनुवाद तो ऐसे तो हो ही जा रहा था, है ना। यस सर ट्रांसलेशन लेकिन हाँ, लेकिन ये बताइएगा कि मूल्यांकन खुद कर लेते थे, कैसे पता चलता था कि हमने जो लिखा है वो सही ही लिखा है, सही प्रारूप में जा रहा है। सर मूल्यांकन करने के लिए मैं घर में, जैसे मेरी सिस्टर है या मेरे ब्रदर्स हैं, मैं उनको देती थी कि एक बार मतलब आप रीड करके जज करो कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं कैसा है, अच्छा तो वो अच्छा लोग, हाँ तो अच्छा वो इसके लिए मेरी हेल्प करते थे, तो मतलब कहते वाह। थे कि हाँ कि इसमें जो भी मतलब कमी रहती थी वो बताते थे, अदरवाइज अगर ठीक था तो दैट इज, और कमी शायद ही होती होगी क्योंकि मैं एक ऐसे को लिखने में मैं काफी ज्यादा टाइम देती थी ऐसे को, को जब तैयार करती थी कि हाँ मुझे कंटेंट अपने रेडी करना है, तो उसके लिए मैं वही सब चीजें सिलेक्ट करती थी कि जो काफी अच्छी रहे, चाहे मुझे उसके लिए 4-5 वेबसाइट्स पे जाना पड़े, 3-4 तरह की बुक्स लेनी पड़े, वो डिपेंड करता था मेरे ऊपर। चलिए, ये आपने मेथड जो बताया है वो सचमुच, यदि जिनके पास मान लिया जाए कि मार्गदर्शन नहीं पहुंच पा रहा है अनुभवी शिक्षक का, तो वो कम से कम क्या करें कि गूगल कर सकते हैं, और सर क्या है ना, जो आपका जो है ना तरीका अपना सकते हैं कि कुछ बेस्ट पार्ट है कहीं पर भी मिला, मान लीजिए एक शीर्षक निकाले, है ना, 2-4 जगहों से खोजे, 10 जगहों से खोजे, उनका जो बेस्ट पार्ट है उसको निकाल करके कॉपी पेस्ट कर लो, फिर सब में थोड़ा उसका, थोड़ा बेस्ट पार्ट होता है, हाँ, उस सबका थोड़ा थोड़ा बेस्ट तो पार्ट करके हम इससे, सबसे बेस्ट बना लेंगे। हाँ, इससे क्या होता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, है ना, और यस सर आपका जो है ना सो बड़ा सुंदर सा ऐसे निकल करके आएगा। यस सर और फिर उसके लिए क्या है कि फिर मूल्यांकन भी कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं है नेट में तो ग्रामेटिकली सही ही रहता है सही रहता है, हम जनरली, प्लस बुक्स भी है हैं ना। हमारे पास। हाँ, उसके बाद बुक्स वगैरह, तो पेपर टू के लिए कोई बुक्स वगैरह भी आपने परचेज किया था क्या। तो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की निबंध, वो निबंध अच्छा मगर अच्छा था उसका, उसकी PDF थी, तो मैंने कुछ ऐसे उसमें से प्रिपेयर किया। वो भी मतलब कि आप बड़ा ही कैजुअली तैयारी किए हुए थे पेपर टू के लिए भी, कहीं से भी फ्री में मिला वो पीडीएफ और एक उसको। सर मैंने एक बुक ली थी प्रिपरेशन के लिए, अरिहंत पब्लिकेशन की वो बुक थी, बट उसमें सिर्फ 20 essays थे, फोर्टी अच्छा टू अच्छा ट्वेंटी essays थे, काफी 20 सारा ज्यादा कर लिया। हाँ, तो उसमें 20 essays थे, तो मुझे ज्यादा कंटेंट नहीं लगा, मुझे ऑनलाइन अच्छा ही अच्छा ज्यादा अच्छा कंटेंट अवेलेबल अच्छा लगा, हाँ, ये क्योंकि बुक्स तो हमारे पास एक लिमिटेड होती है कि अच्छा, हमें उस बुक से पढ़ना है। आपने ये कहा कि जो आपने किताब खरीदा अरिहंत का, देखा आपने, तो कहा कि मुझे उतना कंटेंट क्वालिटी नहीं मिला, तो सर मतलब थोड़ा उसमें देखिए फिर डिफरेंस तो हम, बताइएगा कि गूगल में आप सर्च करके जो ऐसे तैयार करती थी और जो किताब में ऐसे जो था, दोनों में फर्क होगा तभी तो आप गूगल का ज्यादा सहारा लिए ना, तो क्या यस आपको सर डिफरेंस वहां पर नजर आया। पर डिफरेंस ये था कि बुक में जो हमने टॉपिक टॉपिक देखा
वो टॉपिक तो जितना में लिखा है उतना ही है, बट अगर हम गूगल में देख रहे हैं तो हमें अलग अलग वेबसाइट के थ्रू हमें अलग अलग चीजें मिलती जा रही है। क्या बात है, तो वहाँ से आप गूगल से आप निकाल रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जो आंकड़ा मिलेगा कोई भी चीज़ को लेकर के, कोई भी टॉपिक को लेकर के, वह रिसेंट वाला है ना, करेंट करेंट आंकड़ा मिलेगा, करेंट तथ्य मिलेगा आपको ऐसे में डेटा के लिए। हाँ, हेल्पफुल करेगा डेटा, जो करेंट डेटा होगा वो आप गूगल के थ्रू उससे अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए, तो पूरी तरह से आपकी तैयारी ऑनलाइन ही हो रही थी, कहा जाए तो ऑफलाइन नहीं हो रही थी। आप सेट भी मार रही थी, तो किसी किसी ग्रुप में आप जुड़े हुए थे, वहां से जो भी आपका आ रहा था सेट प्रैक्टिस के लिए, क्विजेस वगैरह दे रही थी। इसके बाद फिर आपने सेल्फ स्टडी किया काफी डिटेल में, 11 घंटा 12 घंटा बैठ करके, है ना, वो रंग लाया अंत में। So, मैं मतलब सोशल मीडिया पे, मैं मतलब जैसे व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ भी, मतलब कुछ भी मैं यूज नहीं करती थी प्रिपरेशन जब, पूरी तरह से कट ऑफ हो गई दुनिया से। यस सर, सेकंड पेपर के लिए मैं पूरी तरह से कट ऑफ हो गई थी, फेसबुक वगैरह कुछ भी, मैंने व्हाट्सएप इंस्टा कुछ भी यूज नहीं किया था। क्या बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको नहीं लगा कि कुछ चीज दूर चली जा रही है मेरे से? हाँ, मुझे लगा दूर चली जा रही है, बट मुझे लगा कि हाँ वो बाद में मिल जाएगी, बाद में मिल जाएगी, पहले तो फल तो चख ले सफलता का। चलिए, ये भी बात है कि लालच में लोग जो है ना भटक जाते हैं, है ना, डेविएशन आ जाती है पढ़ाई में, डाइवर्जन आ जाता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से फोकस्ड होकर के तैयारी करें तो सफलता अवश्य हासिल होती है। वेल, आप अपनी सफलता का क्रेडिट श्रेय किन को देते हैं? सर, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपना क्रेडिट देना चाहूंगी। सबसे पहले टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे अब तक पढ़ाया, ताकि जिससे मैं एग्जाम को क्लियर कर पाई। प्लस मेरी फैमिली है और मेरी फ्रेंड है अंकिता, जिसने मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया। क्या बात है, आप कोई फाइनल टिप देना चाहते हैं जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी इसे सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश? हाँ सर, मैं उन्हें फाइनल टिप ये देना चाहूंगी कि स्ट्रेसफुल होके बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना करें, रिलैक्स होके प्रिपरेशन करें। अगर आपका इस ईयर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी है आपके पास और आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या बात है, चलिए, बहुत बहुत है ही। हाँ, काफी, अगर आप एक एग्जाम नहीं क्लियर करते तो आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि GST इज द लास्ट ऑप्शन फॉर एनीवन। ओके, तो वेल, सही बात है कि एक ही एग्जाम पर फोकस्ड ना रहे, अनुवादक परीक्षा अन्य तरह के भी डिपार्टमेंट्स करवाते हैं। JTU के लिए आप जा सकते हैं, लोकसभा के लिए जा सकते हैं आप, फिर कई तरह के होते, राज्यसभा, लोकसभा, हाई कोर्ट हो गया, तो अन्य तरह के भी एग्जाम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो SSC JST के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर लिया, वह भारत में निकलने वाले जितने भी अनुवादक परीक्षाएं हो सकती है, अनुवाद से संबंधित, इंटरप्रेटर से संबंधित जो परीक्षाएं होते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। अपने तर्कश में हर तरह के बाण रखे रहिए, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे प्रक्षेपास्त्र हो, चाहे अग्नेयास्त्र हो, है ना, चाहे नागपाश हो, तो किसी भी तरह उस तरह के जो ब्रह्मास्त्र, उस तरह के जो तीर है, वे दरअसल क्या है कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इसके बाद फिर अनुवाद, फिर निबंध, ये जो चार पिलर्स है, ये चार जो हथियार है, वो अपने पास अवश्य रखे रहे कोई भी एग्जाम्स के लिए। ये जो चार जो पिलर्स है, वे हमेशा काम आएंगे, उसको अपने तगड़ा करे रहे, काफी अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे है आरती जी की, आप GST के बाद क्या प्लान रखे हुए, फ्यूचर स्कोप किसको लेकर चल रहे हैं? GST के बाद अपकमिंग 2023 के लिए प्रिपेयर करूंगी, SST के लिए, SST सिंधी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जरूर आप उसमें भी आप पूर्णतः सफल होकर के फिर से हम लोगों से जुड़े। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।